सब्सक्राइब करें हैश खान यूनिक रेसिपीज को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज हम यहां पर बनाने जा रहे हैं बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी चाइनीज़ पकौड़ा, या इसे वेज मंचूरियन भी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम सारी चीज़ों को डालेंगे, सारी सब्जियों को। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम पत्ता गोभी ली है, और इसको हमने जो आलू के स्लाइसर काटने वाली स्लाइस होती है उस तरीके से हमने इसे कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पर दो डंडी हमने यहाँ पर हरी प्याज ली थी बारीक कटी हुई, और एक छोटी सी गाजर ली थी, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया, यानी कि बिल्कुल बारीक हमने इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी काट सकते हैं। और यहाँ पर आधा शिमला मिर्च हमने लिया था, इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून यानी कि एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें अदरक लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा होता है, तो हम इसमें अलग से एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। और अब हम इसमें सॉस डालेंगे, तो एक चम्मच हम इसमें रेड चिली सॉस जो होता है वो हम इसमें डाल देंगे, और एक चम्मच डार्क सोया सॉस, जो भी चाइनीज़ में आइटम पड़ते हैं वो भी हम इसमें सारे डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे सेजवान चटनी, और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे टमाटर सॉस, और नमक स्वाद अनुसार हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं एक चौथाई कप कॉर्नफ्लोर, और एक कप हम इसमें डालेंगे मैदा। तो अभी हम आधा कप डाल देते हैं, आधा कप हम इसमें बाद में डालेंगे। और एक चौथाई कप हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है, आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के आटे से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, और बहुत से लोग इसमें सूजी डालते हैं, तो सूजी से भी पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों से, अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करें। और जब हम लंबे टुकड़ों में पत्ता गोभी को कट करते हैं, इस तरीके से स्लाइस करते हैं, तो इसके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम आधा कप मैदा और डाल देते हैं, और इसे हम अच्छी तरीके से और मिला लेते हैं। कॉर्नफ्लोर से चावल का आटा और मैदा डालने से पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, और अब हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे, उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है कलर डालने से, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, पकौड़ा का जिस तरीके से मिक्सचर बनाते हैं उस तरीके से हम बना लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है, तो हमारा पकौड़ा का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे, इसे तल लेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है, पकौड़े बनाने के लिए तेल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तो अब छोटे छोटे बॉल लेकर या छोटे छोटे हम पीसेस लेकर इस तरीके से हम पकौड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम डालते जाएंगे, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से क्योंकि पकौड़े बनाने के लिए, आप इसे चाहें तो शाम के नाश्ते में इसे बनाकर खा सकते हैं, या रमज़ान में इसे हम अफ्तारी के वक्त इसे बना सकते हैं, या जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने के लिए तब हम इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इतने पकौड़े यहाँ पर अभी बनाए हैं, और इसे इस तरीके से छुड़ा लें, आपस में ये थोड़े से चिपक जाएंगे, ये स्टिकी होते हैं मैदा डालने से, तो इस तरीके से छुड़ा लें।
और अच्छे से पलटते हुए अच्छे तरीके से डीप फ्राई कर लें, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और पकौड़े क्रिस्पी ना हो जाए। और आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज हो चुके हैं, और इस तरीके से छूकर देख लें। अभी थोड़ा सा और हम इसे बना लेते हैं, अभी थोड़ा सा और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पकौड़े अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसी तेल में हम बाकी के सारे पकौड़े इसी तरीके से बना लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बॉल बनाए, छोटे छोटे पकौड़े बनाए, तो ये और भी क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बना लेते हैं। और जो बाकी के पकौड़े हमने बनाकर पहले से रखे हैं, तो चलिए हम उसे सर्व करते हैं, आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो ये देखिए सेजवान चटनी के साथ हमने चाइनीज़ पकौड़ों को सर्व किया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी, चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी।